मैं आरती आदिवन किचन से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और चटपटी नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चाइनीज फूड। चाइनीज फूड खाना बच्चे में बड़े सबको ही पसंद है, तो आज हम बनाएंगे घर पर ही बहुत ही स्वादिष्ट चाइनीज फूड, जिसे बनाना तो आसान है और खाने में भी फूड बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सोया चिली। चिली सोयाबीन बनाने के लिए मैंने ली है ये 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी, ये इजीली किराने की शॉप पे मिल जाती है। चिली सोयाबीन बनाने के लिए हम सबसे पहले ये बड़ी को गर्म पानी में डाल देंगे। मैंने गैस के ऊपर रखा है बर्तन, उसमें डाला है एक ग्लास पानी, तो पानी को हम हल्का गर्म हो जाने देंगे। पानी हमारा हल्का गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सोयाबीन की बड़ी। 2 से 3 मिनट तक पानी के अंदर ऐसे ही हम सोयाबीन की बड़ी को रहने देंगे, जिससे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी बड़ी हमारी। 3 मिनट हो गया है और ये देखिए सोयाबीन की बड़ी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है और उनका साइज भी एकदम डबल हो गया है, तो अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। सोयाबीन बड़ी में से मैंने सारा पानी निकाल दिया है, एकदम अच्छे से हमें निचोड़ते हुए उसका सारा पानी निकाल देना है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर आटा, आप इसकी जगह पर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश दही, ये मेरा घर का दही है, आप चाहें तो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर आटे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप इस तरीके से कोटिंग करके बड़ी को फ्राई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है हमारे सोया चिली में। इसे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच तेल। तेल हमें उतना ही डालना है जितने में कि बड़ी हमारी फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे। गर्म हो जाने देंगे हल्का, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने सोयाबीन की बड़ी रखी है कोटिंग करके। अच्छे से चलाएंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक सोयाबीन की बड़ी को हमें फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हो चुका है और बड़ी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और ये देखिए कलर भी उनका हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सभी बड़ी को हमने निकाल लिया है, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। हल्का गर्म हो जाने देंगे तेल को। इसमें कुछ सब्जियों का यूज़ किया है, एक मैंने ली है ये शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, इसे इस तरीके से बड़े बड़े पीसेज में कट किया है। एक मैंने लिया है प्याज, उसे भी हमें बड़े पीसेज में ही कट करना है। प्याज को मैंने कट करके उसके पीसेज अलग अलग कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से ये आपको कट करना है। थोड़ी सी मैंने ली है स्प्रिंग ऑनियन, 1/2 गाजर लिया है मैंने जिसे रफली चॉप कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी प्याज, ये जो हमने रफली चॉप करके रखी है। एक सेकंड तक चला देंगे, सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है अगर आप इस तरीके से चाइनीज़ फूड में डालते हैं तो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे बाद में गार्निश के लिए। एक सेकंड तक चला लेंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इससे तीखा चटपटा, सभी को अच्छे से चला देंगे। 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हमने सोयाबीन बड़ी को फ्राई करते समय भी नमक डाला है तो नमक ध्यान से डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ मैं ये चिली सोयाबीन को। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को एक बार फिर से। 30-40 लगता है ये चिली सोया खाने में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने सोयाबीन की बड़ी फ्राई करके रखी है, अच्छे से मिक्स कर देंगे।
सॉस के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो एक मिनट तक ऐसे ही हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। एक मिनट हो गया है, गर्मा गर्म सोयाबीन चिली हमारा एकदम तैयार है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से रिंग ऑनियन गार्निश के लिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और ये गर्म गर्म सोयाबीन चिली हमारा एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। गर्म गर्म हमारा सोयाबीन चिली बनकर तैयार हो गया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसे बना के तैयार किया और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, जैसा हम मार्केट से लेकर आते हैं सेम वैसे ही हमने सोया चिली घर पर बना के तैयार किया। बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।